निर्माण संपत्ति ज्ञान तत्व प्रज्ञापन गाथा नंबर 19 पेज नंबर 34। गाथा का हमने आज पढ़ लिया था, तुमने नहीं पढ़ा था? तुमने गाथा गाथा पढ़ ली थी अपन ने, गान गाथा का अन्वय अर्थ, जिसके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, जो अतीन्द्रिय हो गया है, अनंत जिसका उत्तम वीर है और अधिक जिसका तेज है, ऐसा वह स्वयंभू आत्मा ज्ञान और सुख रूप परिणमन करता है। ये अपन ने कही थी बात, है ना? क्या क्या शब्द आए इसमें ध्यान रखना। पक्षीण घात कम्मो, पक्षीण माने खीण माने क्षय हो चुके हैं, पक्षीण माने पूरी तरह से, घाती कर्म पूरी तरह से जिसके क्षय हो चुके हैं। अनंत वर वीर्यो, अनंत और वर माने उत्कृष्ट, अनंत और उत्कृष्ट है वीर्य जिसका, अहि तेजो और जिसका तेज अधिक है। तेज माने केवल ज्ञान और केवल दर्शन। जादो अदित्योसो, वह अतीन्द्रिय है, प्रणाम सुखम च परिणमति, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख रूप परिणाम करता, उसका ज्ञान और सुख इंद्रियों के बिना ही अतीन्द्रिय रूप से परिणमता है। उसका एक प्रश्न है कि ज्ञान और सुख इंद्रियों के बिना कैसे होता है, तो उसका उत्तर यहाँ दिया है। क्या उत्तर है बताओ? कि ज्ञान और सुख उसका स्वभाव ही है, तो वो इंद्रियों के बिना क्यों परिणमता है, ये कैसे प्रश्न आया? जो जिसका स्वभाव है वो तो अपने आप से परिणमे ही ना, इंद्रियों की क्यों मदद लेनी पड़ती है उसको, ये प्रश्न होना चाहिए। क्यों? कोई आदमी सीधा सीधा चल रहा हो, अच्छा बढ़िया जवान, तुम लाठी लेके नहीं चलो? लाठी लेके चलने वाले से पूछते कि लाठी क्यों, कैसे, क्या हो गया, लाठी क्यों आ गई? कि बिना लाठी वाले से पूछेंगे क्यों? आप लोगों से पूछे कि लाठी नहीं लेके आया, या आप मेरे से पूछे कि पंडित जी आज लाठी कैसे चली गई यार, कौन सी? नहीं वो आप बिना लाठी के ही आ गए क्या आज? भैया लाठी से आना मेरा स्वभाव है कि नहीं आना, बिना लाठी के आना स्वभाव है? लाठी के अधीन होना स्वभाव नहीं है, वो तो मेरी चीज ही है। अब ये क्या प्रश्न हो गया कि वो इंद्रियों के बिना कैसे होगा? अरे भाई वो तो हमारा स्वभाव ही है, जो स्वभाव होगा उसमें इंद्रियों की अपेक्षा तो ही नहीं होती। प्रश्न तो ये होना चाहिए था कि वो ज्ञान और सुख स्वयं का स्वभाव होने पर भी उसे इंद्रियों की क्यों मदद लेनी पड़ती है, हैं? वो इंद्रियों का अवलंबन क्यों लेती है? किसी की आंख अच्छी हो, स्वयं आंख से दिखता हो, तो उससे पूछेंगे ना चश्मा क्यों लगा रखा है, है कि नहीं है? ऐसे जिसके स्वयं ही ज्ञान और सुख स्वभाव है, उनके इंद्रियों के बिना ज्ञान और सुख कैसे परिणमन करता है, ये कैसा प्रश्न हो गया? इंद्रियों के द्वारा क्यों परिणमता था अब तक? प्रश्न तो ये होना चाहिए था कि उसका ज्ञान अब तक इंद्रियाधीन क्यों था? क्या इंद्रियाधीन क्यों था? क्योंकि ये ज्ञान और सुख तो सहज क्या है, ये स्वभाव है। ये नाणम सुखम च परिणम दी, वो ज्ञान और सुख रूप परिणाम करता है क्योंकि ये उसका स्वभाव ही है। स्वभाव जो जिसका स्वभाव ही है, मिर्ची तरखी क्यों है, नमक नमक खारा क्यों है, क्यों है बताओ? क्या उत्तर आएगा इसका? स्वभाव। अग्नि गर्म क्यों है, क्यों हमके स्वभाव है? और कुछ जवाब है इसका बताओ?
कोयला का अलग है, नहीं ऊपर अग्नि गर्म क्यों, लेकिन उसमें ऊपर जाने का भी स्वभाव है, लेकिन अग्नि में उष्णता जो है वो क्यों है, कोयला का अलग क्यों, बर्फ ठंडा क्यों, स्वभाव ही है उसका, समझ में ना। आत्मा ज्ञान और सुख रूप क्यों प्रणमन करता है बिना इंद्रियों को, उसका स्वभाव ही सरस स्वभाव, ज्ञान और सुख उस आत्मा का स्वभाव है, तो उस आत्मा से पूछना कि तू ज्ञान और सुख रूप कैसे क्यों प्रणम रहा है बिना इंद्रियों, सहज स्वभाव ही क्यों है, तेरा ज्ञान और सुख रूप तेरा ज्ञान और सुख रूप स्वभाव क्यों, स्वभाव स्वभाव है तर्क गोचर, स्वभाव तर्क अगोचर होता है, स्वभाव में तर्क लगता है क्या, तर्क लगाओ स्वभाव में, अग्नि गर्म इसलिए है क्योंकि इस देश को गर्मी की बहुत जरूरत थी तो अग्नि ने ऊपर से उतार लिया था, क्या क्या अग्नि का स्वभाव ही, और स्वभाव अच्छा होता है कि विभाव, अग्नि गर्म है ये अच्छी चीज है कि अग्नि ठंडी हो जाए अच्छी चीज है, गर्म अग्नि का गर्म रहना स्वभाव है, अग्नि गर्म नहीं रहे और ठंडी हो जाए तकलीफ हो जाए, रोटी पकाना बंद हो जाए, पकाओगे कैसे, लोग ये चमत्कार लगता अग्नि पे चला दिया, अग्नि को ठंडी कर दिया इन्हें, उल्टा काम कर दिया अग्नि को ठंडी कर दिया, भाई साहब जो जिसका स्वभाव है तभी तो दुनिया चलेगी, अग्नि का क्षय हो जाएगा दुनिया कैसे चलेगी, स्वभाव ही सब वस्तु का सहज स्वभाव, तो ये जो है ज्ञान और सुख उसका सहज स्वभाव, इसलिए वो ज्ञान और सुख रूप प्रणाम करता है इंद्रियों के बिना भी। अब देखो पढ़ते हैं, हमने शब्द याद होना चाहिए इसलिए तीन चार बार रिपीट करता हूँ, कौन कौन सी बातें है इसमें, घाती कर्म जिसके क्षय हो गए हैं, अनंत और उत्तम जिसका वीर है, अधिक जिसका तेज है, और जो अतीन्द्रिय हो गया उसका वह ज्ञान और सुख रूप परिणाम करता है, तो यूं भी कह सकते हैं कि वह अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख रूप परिणाम करता है, उन्हें इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और सुख रूप परिणाम। अब देखो आगे चलते हैं, टीका, शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए, किसकी सामर्थ्य से, शुद्धोपयोग की सामर्थ्य, शुद्धोपयोग की सामर्थ्य घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुआ, और कोई कारण, शुद्धोपयोग क्या है उसको अपन पीछे पढ़ा है कैसा है वो शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है कि नहीं, शुद्धोपयोग अधिकार में बैठे हैं अपन, शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय हो गए, क्षयोपशमी ज्ञान दर्शन के साथ असंपर्क संपर्क रहित होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है, क्या गजब बात, क्षयोपशमी ज्ञान के साथ संपर्क रहित होने से अतीन्द्रिय हुआ, क्षयोपशमी ज्ञान के साथ जो संपर्क रखता है वो इंद्रिय होता है, उसका ज्ञान कैसा होता है इंद्रिय, क्षयोपशमी ज्ञान इंद्रिय जो होता है, क्षयोपशमी ज्ञान अल्प को जानने वाला होने से इंद्रियों के द्वारा जानता है, क्षयोपशमी ज्ञान समझे, मती श्रुत अवधि मन पर्य, जो अल्प को जाने समस्त को न जाने वो क्षयोपशमी के देशघाती का जिसमें उदय हो, कुछ को जाने कुछ को नहीं जाने वो क्षयोपशमी के, अल्प को जानता है बहुत अल्प को, तो जो क्षयोपशमी ज्ञान के साथ जिसका संसर्ग है तो वो ज्ञान कैसा है, इंद्रिय है, यदि अतीन्द्रिय होना है तो क्षयोपशमी ज्ञान के साथ संपर्क रहित होना पड़ेगा, ज्ञान की जाति बदलनी पड़ेगी, ज्ञान क्षय होना पड़ेगा, क्षयोपशमी ज्ञान में अतीन्द्रियता नहीं आ सकती, क्योंकि क्षयोपशमी ज्ञान अल्प को जानता है, क्षयोपशमी ज्ञान अल्प को जानता है पूर्ण को नहीं जानता है, तो अल्प को जानने वाला अल्प को जानता है इसलिए इंद्रियों की मदद से वो जानता है, क्योंकि इंद्रियां अल्प को जानती है, इंद्रियां सबको नहीं जान सकती, जान सकती है क्रम क्रम से जान ले, चलो आज अपन ने इसको देखा कल किसी और को देखे परसों, ऐसा क्रम क्रम से नहीं जान सकती इंद्रियां सबको, क्यों, तो जब होएगा तब तो जान लेंगे,
क्रम क्रम से सबको जान लो। सबको जान ही नहीं सकती इंद्रिया क्रम क्रम से जो ज्ञान। दूसरी बात स्मृति भी कहा रहती है, 10 साल पहले का याद है आपको? 10 साल पहले आप क्या कर रहे थे इस समय बताओ? पिछले साल क्या कर रहे थे इस समय? क्या आपकी क्लास है बेटा? सैटरडे संडे भी हो सकता है, आए नहीं हो तुम लोग, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अपन अनुमान ही लगा सकते। चलो अभी पिछले साल इसी समय यहाँ बैठे भी हो तो ये बताओ क्या पढ़ रहे थे, ये कौन बता सकता है? क्या मोक्ष प्रकाशक का कौन सा अध्याय क्या बात पढ़ रहे थे? क्यों कौन से अध्याय में ये नहीं बता सकते? अरे आप चिंता मत करो, मैं भी नहीं बता सकता। इतनी स्मृति रह नहीं सकती, बहुत जोर लगाएंगे तो अपन कहीं से अनुमान लगाएंगे, इतने टाइम ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। लेकिन एकदम स्मृति के हाथ में सब कुछ नहीं रहती बात, क्या पढ़ाया है ये याद नहीं रहता कि उस दिन उस समय उस दिन पहली बात तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया क्या बता। मोक्ष प्रकाश की पढ़ाई क्या पढ़ाया क्या होता, और कौन सा अध्याय पढ़ाया, किस विषय को पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, कुछ भी याद नहीं है। अरे ये तो ठीक है, अपन ने शुक्रवार को क्या पढ़ाया यही बता दो। क्या इसलिए इंद्रियों की तो बहुत कम सामर्थ्य है, वो मन जो है सबको याद रख सकता ही नहीं है, इसलिए मन के साथ जब तक संपर्क रहेगा तब तक वो अल्प को ही जानेगा। इंद्रिय जो है वो छायाश्रमिक ज्ञान है ना, इसलिए छायाश्रमिक के साथ संपर्क रहित होने से अतिन्द्रिय हुआ है। अतिन्द्रिय क्यों हुआ है? क्योंकि अब छायाश्रमिक पना उसमें मिल गया, छायाश्रमिक था तो इंद्रिय था, छायाश्रमिक ज्ञान के साथ संपर्क रहित होने से क्या हुआ? अतिन्द्रिय हो गया है। छायाश्रमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपर्क होने से, संपर्क रहित होने से जो अतिंद्रिय हो गया, और अनंत उत्तम वीर्य कैसे है? समस्त अंतराय का क्षय होने से, सारे अंतराय का क्षय हो गया, समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत, समस्त का क्षय हो गया तो वीर्य कैसा हो गया? अनंत। और उत्तम वीर्य समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत, जिसका उत्तम वीर्य, वीर्य माने अनंत शक्ति है, उत्तम है अनंत है, दो विशेषण है। ये वीर्य का क्या, क्या काम है? इस वीर्य गुण का काम क्या है? हाँ, ज्ञान, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य का होना। इतना ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। अभी 10 चीजें दिमाग में याद करने को दे दो आपको, कि कल ये सब गाथाएं याद करके आएंगे, तो जब कोई बैठे यहाँ पे तो उसको ऐसा लगे आज तो दिमाग पे 18 गाथाओं का बोझ है, लोड लेके आया जैसे यहाँ से, ऐसा लगता है कि नहीं? चलो इसकी रुचि हो तो ये नहीं भी लगे, लेकिन फिर भी कोई अपन जब कॉलेज अपन जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो कैसा लगता है? जैसे बहुत सारी चीज़ों का लोड लेके जा रहे हैं, और जब बाहर निकलते तो ऐसा लगता है सबका सब वहीं डाल के आ रहे हैं। लगता है कि लगता है? और डाल देते हैं जब तो याद नहीं रहती, कुछ याद नहीं रहती। अपनी हिंदुस्तान की पढ़ाई बड़ी विचित्र, अगले साल वही पेपर उससे दिलवा दो तो वो नहीं दे सकता। भूल गए आप क्या याद है? दे सकते हैं मैं बताओ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर मैं नहीं दे सकता, कुछ याद ही नहीं है मेरे क्या है। तो दिमाग पे बोझा रहता है ना, इसलिए वो ज्ञान को धारण करने की इतना वीर नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि वो उतने ज्ञान को धारण कर सके, बल्कि वो खेल लगता है। क्या कुछ याद करने के दिमाग में रखने में क्या लगता है अपने को? खेद महसूस होता है। और जिसकी शक्ति सामर्थ्य अपरंपार होती है तो वो ज्ञान और दर्शन को धारण करने में खेद नहीं होता। तो इसलिए अनंत उत्तम वीर होने से वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को धारण करने की सामर्थ्य को रखते हैं। समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से, क्या बढ़िया शब्द दिए इन्होंने, प्रलय हो गया उनका। कहेगा प्रलय होता है, इसका प्रलय होता है, बाकी और कुछ प्रलय वलय नहीं होता है। एक प्रलय आने वाला है, कितने साल में आ रहा है, हर साल सुनता है तो प्रलय आने वाला है। कुछ नहीं आ गया प्रलय वलय, कहाँ आएगा? 2015 में प्रलय आ जाए, 15 गायब हो गया, 30 में आ जाए, कब आने वाला नेक्स्ट? अरे प्रलय इसका आता है और किसी का प्रलय नहीं होता। प्रलय में क्या होता है, जैसे अपने कहा भी है तो पृथ्वी वगैरह पे जो होता है तो व्यवस्था बदलती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं। जीव यहाँ के कहीं और चले जाते हैं, वहाँ के यहाँ आ जाते हैं थोड़े समय बाद। जीव का एक गति से दूसरी गति के अंतर इस क्षेत्र के थोड़े से लोगों में और क्या हो जाएगा, प्रलय अनहोनी हो जाएगी, समस्त विश्व नष्ट होने वाला है। क्या वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, कोई एंड वेंड नहीं आने वाला, कोई एंड आ रहा है क्या? ना आदि है ना अंत है, क्या अंत आने वाला है? जीव मर भी जाएंगे यहाँ के तो मर के किसी दूसरी गति में जन्म ले, वहां से फिर यहाँ जाएंगे। कोई विश्व अंत होने वाला नहीं है, ये पृथ्वी बहुत पुरानी है, अनंत काल तक रहने वाली, कुछ नहीं होने वाला है। प्रलय इनका होता है, किनका? समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय, इनका प्रलय करना अपने को। समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से अधिक जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज है, अधिक तेज है, सबसे संसार में सबसे अधिक तेज है। तेज का क्या काम होता है? प्रकाशित करना। सूर्य के तेज में वस्तुएं प्रकाशित होती है। जैसे भगवान जिनेंद्र का तेज जो है वो अत्यधिक है, अधिक है। काय का तेज है उनके? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये अधिक उनका तेज है। अब ये सब पूछूंगा मैं, पूरा एक एक का हेतु है ये। सबसे पहला हेतु क्या दिया था? शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से, वो हेतु तो छोड़ ही दिया। शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय हो गए हैं, ये कौन से शब्द का अर्थ है? अक्षीण घाती कर्म। फिर अदिंद्रिय शब्द का अर्थ किया, शुद्धोपयोग के क्षयोपशमिक ज्ञान के, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन के साथ संप्रक्त न होने से कैसा है? अतीन्द्रिय हो गया। दूसरा और तीसरा, समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत जिसका उत्तम वीर, ये अनंत बल वीर्यो का अर्थ किया। अहि तेजो, समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक जिसका अधिक तेज है, ये शब्द क्या अर्थ कर रहे हैं अपन? ये जो पीछे गाथा में पढ़े हैं यदि याद हो तो, नहीं तो अभी का अभी भूल गया हो तो फिर तो क्या बात है। ऐसा यह स्वयंभू आत्मा, ये स्वयंभू पीछे की गाथा में कहा ना, ऐसा ये आत्मा, किसका आत्मा? जिसका ऐसा आत्मा है, मैंने जिसके घाती कर्म क्षय हो गए हैं, जिसके अतीन्द्रिय हो गया है, जो जिसका की वीर अनंत उत्तम है और जिसके ज्ञाती का ज्ञान और दर्शन और का क्षय हो जाने से, प्रलय हो जाने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज है। ऐसा य, ऐसा जो है, ऐसा स्वयंभू आत्मा समस्त मोहनी कर्म के अभाव के, समस्त मोहनी के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले, माने अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे आत्मा का अनुभव करता हुआ, कैसा अनुभव करता हुआ? अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का, माने स्वभाव पे बल है। क्या वो अपना जो स्वाभाविक आत्मा है उसका जो, माने जो जो आत्मा का सहज स्वभाव है, उस सहज स्वभाव का अनुभव करता हुआ। अब ये जो आत्मा हो गया ऐसा, ये क्या कर रहा है? ये निर्विकार शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर रहा है, जो सहज स्वभाव, निर्विकार, निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव रूप आत्मा का अनुभव करता हुआ।
जैसा आत्मा है, जैसा उसका सहज स्वभाव, जैसा उसका स्वभाव है, वैसे आत्मा का अनुभव करता हूँ। माने जो स्वभाव है, जैसा उसका रियल नेचर है, वैसा वो अनुभव कर रहा है। तो अपन इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है। अत्यंत निर्विकार, विकार नहीं रहा, शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव करता हुआ। तो वो ये बताना चाहते हैं कि वो इस स्वभाव का अनुभव कर रहा है, वो जो आत्मा का सहज स्वभाव है, उस सहज स्वभाव का अनुभव कर रहा है, मतलब अपनी चीज का अनुभव कर रहा है वो। अब तक उसको अपने स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा था, अपनी चीज का अनुभव नहीं था, अब वो अपने स्वभाव रूप प्रणम क्या है, और स्वभाव रूप प्रणम में से वो अपने सहज शुद्ध स्वभाव का अनुभव कर रहा है। अनुभव करता हुआ स्वयमेव, किस पे जोर है देखो, स्वयं ही। अब वो इंद्री नहीं चाहिए उसको, प्रकाश नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, पुस्तक गुरु कर्म वर्म कुछ नहीं चाहिए। अब तो वो स्वयं ही सफल प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर प्रणवित होता है। क्या स्वयं ही, ये इस पे जोर है पूरा कि वो स्वयं ही हो रहा है इस रूप प्रणवित, कोई उसके कारण किसी के कारण से नहीं हो रहा है, स्वयं ही। अब लक्षण दिए, ज्ञान का लक्षण क्या है, स्वपर प्रकाशक लक्षण है ज्ञान, स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख। ये आपको बहुत ज्ञान है, ज्ञान का लक्षण क्या है, स्वपर प्रकाशक, ये ज्ञान का लक्षण। पर को जानना ये उसका विभाव नहीं है, सहज स्वभाव। स्व को जानना सहज स्वभाव, स्व पर दोनों को जानना स्वभाव, जान नहीं सुन। ज्ञान का लक्षण स्व पर प्रकाशक बना, अकेला स्व प्रकाशक नहीं, अकेला पर प्रकाशक नहीं, स्व पर प्रकाशक। नियम सार में गाता है ऐसे, जो अकेले आत्मा को पर प्रकाशक ही मानते हैं तो क्या दोष आता है, और जो अकेले आत्मा को सब प्रकाशक ही मानते तो क्या दोष आता है। उसे वहां बात आती है, इसलिए ज्ञान का, इसके पीछे तो आचार्य देवों ने न्याय के ग्रंथों में पूरी ताकत लगा दी है कि ज्ञान सब पर प्रकाशक होता है। स्वार्थ को जानने वाला ज्ञान है। स्वार्थ में तो समझते, स्व और अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, पर द्रव्य, पदार्थ माने पर द्रव्य। तो स्वपर को जानने वाला कौन है, ज्ञान है, स्व और पर को जानने, ये ज्ञान का सहज स्वभाव, बल्कि सहज स्वभाव ही नहीं कह रहे, ज्ञान का लक्षण है स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान। और सुख का लक्षण क्या है, अनाकुलता। बहुत सुखी हुए आज अपन, आज दिन भर सुखी हुए कि दुखी हुए, क्यों आज सुखी हुए दिन भर के दुखी, यदि आकुलता रही तो दुखी हुए और अनाकुलता रही तो सुखी रहे। जिसने अनाकुलता का स्वाद चखा वो सुखी रहा, और जिसने दिन भर आकुलता ही भोगी वो दुखी रहा। अपन कैसे लोग है ना, जिनको अनाकुलता मिली हुई है लेकिन फिर भी अनाकुलता भोगने के लिए तैयार है, तो थोड़ी देर मत करो, 24 घंटे ही करने की जरूरत ही नहीं है, 8 घंटे आकुलता कर लो, बाकी तो 8 घंटे फ्री बैठो, तो कम करना पड़ेगा ना उसको, है? देखो ऐसा है कि घोड़े को पानी आवाज में पीना पड़ेगा, समझ में ही बात, घोड़े को पानी रेट की आवाज में पीना पड़ेगा, वो चाहे कि आवाज नहीं आए तो पानी बंद हो जाएगा। तुम तो उदाहरण सुन रहे, किस किस ने सुन रखा, हाँ
एक घोड़े को एक जो है अंग्रेज पानी पिलाने ले गया, तो वहां क्या था कि कुएं से पानी आ रहा था, पानी पिलाने ले गया, पानी आ रहा था तो वो ले गया क्या। अब जब तक गया वहां तब तक वो पानी एकदम क्या हो गया, बंद हो गया। तो उसने देखा कि पानी क्यों बंद हो गया, कि भाई ये रेड चल रही थी इसलिए पानी आ रहा था। तो उसने कहा रेड चलाओ, रेड चलती ना, चल 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 चल, जैसे ही रेड चालू करी तो चल चल आवाज आने लगी, तो घोड़ा भी दग गया, घोड़ा भग गया, पीछे हो गया। तो नहीं, ये चल चल आवाज नहीं आनी चाहिए, तो बंद कर दिया, बंद कर दिया तो पानी चला गया। पानी नहीं चल, पानी तो चलता चाहिए, पानी बंद नहीं होना चाहिए। पानी बंद करा, ये पानी चालू करा, तो फिर घोड़ा भी दग जाए, तो घोड़ा भी दग जाए, तो फिर घोड़ा भी दग जाए, तो कह रहे अरे घोड़ा नहीं भिदकना चाहिए, बंद करो। बंद करो तो पानी नहीं आए, पानी को वापस चालू करो, घोड़े को लाओ, फिर घोड़ा भिदक जाए। तो अब उससे कहा, फिर आखिरी में उसने देखो ये इसमें पानी पीना पड़ेगा, तुम चाहो कि ये बंद हो जाए पूरी तरह से और पानी पी ले तो बहुत मुश्किल है। क्या यही चलता रहेगा ऐसे, क्या करोगे इसमें? अरे आ गया आप लोगों को समझे, मतलब क्या है कि ये जो है इसी के अंदर अपने को रास्ता निकालना पड़ेगा ना, हम क्या करेंगे ना। तो वो कभी कोई पूरी घोड़े की आवाज बंद होएगी, वो तो चिकर पो चलती रहेगी, घर में जाओ तो क्या होगा, चाक पाक चलता है ना क्या। अब तो कितने सारे साधन है, एक आदमी के पास एवरेज 2 फोन है, दो बच्चे, 4, एक पत्नी, पंच इंद्रियां तो यही होगी। छठा कंप्यूटर मन, अब यही तो है ही, इंद्री मन भी क्या करे बेचारे। आजकल आचार्य देव तो इंद्री और मन से भी अपने को मोड़ने के लिए बात करते हैं, कि इंद्री और मन से भी विमुख होकर अपने आत्मा में उपयोग को ले जाओ। अपना उपयोग तो अभी इंद्री मन में भी क्या बाहर के बाहर होता था, सुबह शाम तक उपयोग की बर्बादी होती है। जितनी देर आदमी इधर उधर की चीजें पढ़ता है उतनी देर जिनवाणी कहाँ खोल के पढ़ता, बताओ क्यों? कितनी देर अखबार पढ़ने का टाइम रोज का अपने बताओ, न्यूज कितनी देर पढ़ते हैं अपन रोज? 20 मिनट तो पढ़ते हैं, 20 मिनट 15 मिनट हैं, 20 मिनट लोग कौन रोज जिनवाणी पढ़ते बताओ घर पे नियम से? नहीं पढ़ते ना, 20 मिनट भी नहीं पढ़ते अपन। अब क्या है, समय तो उसमें से ही निकालना पड़ेगा, बच्चे की चिक्चिक होती रहती होती रही, दौलत राम जी इन्होंने समझे, उसमें टाइम निकालना, समय निकाल के अपने उपयोग को पेना बनाना पड़ेगा, व्यर्थ की चीजों से बचकर और इसमें अपने उपयोग को डालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये तो अपन खुद बढ़ाते हैं जी, हर चीज को अपन ने बढ़ा रखा है, अपन चाहे तो इसको कम करके और अपने लिए इसमें से मार्ग खोज भी सकते हैं। आकुलता करना नहीं करना ये अपने हाथ की बात है, फिर क्यों? क्योंकि अपने यदि अपने वस्तु स्वरूप का बोध होने पर अपने अंदर में अपना लक्ष्य बदल जाए, और लक्ष्य जो है अपना अपने स्वभाव को प्राप्त करने की ओर हो जाए और परद्रव्यों की ओर से अपनी रुचि मिट जाए, तो आकुलता बहुत अंशों में कम तो हो ही जाती है, खत्म नहीं भी होता। तो जिंदगी के अंदर पहले जो अपने उद्देश्य गोल रहते थे, धर्म के अंदर आने के बाद अपने कुछ तो अपने चिंतन में बदलाव हुआ भी नहीं हुआ, अब अपने ऐसे उठपटांग बोल लिए जिंदगी के अंदर, नंबर वन बनना आत्मगत, नंबर वन जो जिस धंधे में, नंबर वन ब्रोकर, नंबर वन बिजनेस में, नंबर वन इंजीनियर, नंबर वन डॉक्टर, नंबर वन ठेकेदार, मेरे को मिलना चाहिए सबका। अब वो तो नहीं थी ना, अब तो अपने समझ में आया कि भैया नंबर वन बनना है तो भगवान बनना है, नंबर वन वो है, ये बाकी सब तो ये मूर्खता है, नंबर वन का है। तो आकुलता तो कम हो गई, पहले तो रात दिन आकुल थे। तो अपन ने जितना रास्ता अब तक निकाला तो अपने को और इसी में से रास्ता और भी आगे निकालना पड़ेगा,
ये तो अपने ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, अपने पुरुषार्थ को जागृत करें। तो ये अनाकुलता लक्षण, सुख का लक्षण तो अनाकुलता ही। देखो अपनी श्रद्धा में गड़बड़ है अभी सबसे पहले, तो क्या है कि हमने सुख का लक्षण जो है वो सही नहीं समझ रखा। हमको लगता ही नहीं कि अनाकुलता में सुख, इसलिए हम आकुलता भोग के भी दुख को, दुख भोग के भी हम ये मानते हैं कि हम नहीं, हमको कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, पैसे में सुख, दुख भोगते हैं, डंडे खाते हैं, सब होता है, वहाँ आकुलता भोगते, तड़पते हैं, बड़ा पीड़ा होती है, क्या सब कुछ है, लेकिन क्या करें, फिर भी छोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता, इतनी गहरी पकड़ है आकुलता को, होते हुए भी भोगते हुए भी आकुलता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सुख बुद्धि जो है वो दूसरी चीजें पड़ी हुई। तो फिर जब तक ये सुख का लक्षण समझ में नहीं आएगा कि सुख का लक्षण अनाकुलता है, तब तक वह अनाकुलता की प्राप्ति के लिए उद्यम बंद क्यों होगा। इसलिए पहले बताया सुख का लक्षण अनाकुलता है। भगवान कितने रुपए का आनंद भोग रहे हैं, करोड़पति बनेगा आज तो अपने बहुत भक्त आ गए भाई, भक्त आ गए या आज चढ़ावा बहुत आया, महावीर भगवान महावीर जयंती के दिन के देखो आज तो मेरे नाम पे जो है ना, मैंने तो इस बार पार्श्वनाथ को ही पीछे छोड़ दिया। लोगों में जैसी कंपटीशन रहती है ना, इस तरह की रहती, किसके नाम पे क्या चढ़ावा, हमारे बोले हमारे, इनकी बोली इतने में लगी तो इनकी इससे में ज्यादा लगी, इसकी इससे भी ज्यादा लगी, क्या होता है कि नहीं होता है। जैसे बच्चे करते ही नहीं, मेरे बर्थडे में तो मैंने 1 रुपए की चॉकलेट बांटी, तेरे बर्थडे में तो तेरे अठन्नी की बटी, तो दूसरे कहते हैं मेरे बर्थडे में 2 रुपए की बटी, तीसरे बर्थडे 5 रुपए की बांटी। अरे तुम बच्चे हो क्या है, मेरे इस पे ये हुआ, मेरा कलश कितने में गया, 50 लाख, और इस मेरा, मेरा तो 75 लाख। अरे तुम्हारा 75 में मेरा तो एक एक भक्त एक एक करोड़ दे गया। ये छोटे छोटे बच्चे होते ना जैसे, क्या तुम काहे में उलझे हुए हो प्रभो, ये बच्चे की लाली टॉपी में तुमने जो चीज छोड़ दी उस लाली टॉपी में फिर उलझ गए क्या। हर चीज की मौत की बोली, जन्म की बोली, कितने कितने आजकल उत्सव देखो हैं, माने क्या बोलते हैं, जन्म दिवस, फिर और दूसरा दिवस, सब दिवस, सारे दिवस ही दिवस है, सब दुनिया भर में इतने दिवस हो गए कि पता ही नहीं क्या, कितने तो बाबा आए और कितने दिवस है और कितना क्या क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या। कुछ भी कर लो, जैसे अभी अपन कुर्ता पहन रहे, इसके बीच में से ऐसा गोल काट लो, इधर से निकाल, एक नया बाबा चालू हो जाएगा। दुनिया की जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सोच बिल्कुल बेच रखी, जैसे जन्म दिवस, दीक्षा दिवस, आचार्य पदारोहण दिवस, स्मृति समाधि दिवस, ये दिवस, कुंडा चार देव भी विचार पिछड़ गए होंगे, कोई नहीं मालूम था कितने दिवस हो सकते हैं। पंच कल्याणक भी एक भगवान के भी पंच ही होते हैं कल्याणक, लेकिन अभी आजकल तो पंच से भी ज्यादा हो गए ये तो सब बारे। आपको किसी को मालूम है अभी अपने जो भी कोई, चलो कोई पंडित है कि किसी की क्या जन्म तारीख, क्यों? अरे अपन अपनी नहीं बनाते यार, ये तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, मेरे को समझ नहीं आता कि जो छोटे छोटे शौक अपने ही मिट गए और अभी भी जो है ये सब चीजें अभी मिटी नहीं है, मतलब अंदर में लाख तो नहीं चीजों का बैठा। और ये आकुलता के लक्षण है, यदि बर्थडे सेलिब्रेट करना होना बहुत बड़ा आकुलता, सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हैप्पी बर्थडे, फिर क्या बोलो अपन उनको, थैंक यू, फालतू में मतलब मैंने उसमें क्या किया, मेरे को एक्चुअली ने कहा आपको बधाई हो जन्म, तो मैंने कहा तो अब क्या करें उसका फिर, मतलब मैंने कहा उसमें हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई, बधाई देंगे हमारी मम्मी को दो, उन्होंने उत्पन्न तो उन्होंने किया ना, मैंने क्या किया उसके लिए, मेरा तो कुछ रोल ही नहीं है उसमें, मैं हो गया। हाँ ये कह सकते हो कि चलो साहब आज तक आप जिंदा हो, अभी तक मरे नहीं, इस बात की बात, बाकी उसके ज्यादा तो और कुछ है ही नहीं उसमें,
क्या मेरे उसने किया क्या है जिसके लिए तुम मेरे को क्या मतलब बधाई हो आपको, मेरा क्या उसमें मतलब मैंने कोई उपलब्धि की हो, अचीवमेंट किया हो तो मेरे को समझ में आया कि हाँ मैंने कुछ उपलब्धि की है, अचीवमेंट किया, कुछ भी नहीं किया, सहज रीति से आ गया, क्या जबरदस्ती की उस चीज की। अब कोई यदि अपन ने कोई कार्य किया उस कार्य की उपलब्धि समझ में आती है, नहीं बस जगत जो है कुछ भी विचारहीन, बस दे धर 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 के दे धर धर, कुछ भी कोई को मतलब ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई आकुलता क्या है और निराकुलता क्या है, मैंने आकुलता में ही रमा हुआ जी क्या, यहाँ तक कि जितने कार्य है जितने भी जगत के ख्याति पूजा लाभ ये सब में आकुलता ही है, और क्या है ख्याति को मेंटेन करना कितनी बड़ी आकुलता है एक बार ख्याति हो जाए उसको मेंटेन करना सस्टेन करना उसको सस्टेन करते रहे आदमी फिर वो स्टेटस क्या, एक बार यदि कल से अपने को यहाँ बिठा दे तो उसको मेंटेन करना भारी पड़ जाए, ऐसी चीजों जिसको मेंटेन करना भारी हो ऐसी क्या की वो चीज है, पहले से ही फ्री हो ना आदमी, निराकुलता इन सबसे दूर है, मतलब ये ख्याति पूजा लाभ आदि से कोसों दूर है, निराकुलता चीज ही अलग है, निराकुलता तो निरा जंगल में बैठे आनंद भोग रहे अपने आत्मा के आनंद में मग्न है, कोई आकुलता नहीं परम सुखी है, इसलिए वो सम्राट कहे जाते हैं, और सम्राट जो होता है वो आकुलित होता है भिखारी कहा जाता है, सम्राट भिखारी है और ये सम्राट के भी सम्राट है शहंशाह, तो इसलिए अनाकुलता लक्षण सुखरूप होकर प्रणवित होता है, आ गया ना, ये क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बीज डाल दिए, काय के दो चीजों के बीज डाले बताओ काय के, ज्ञान वो अधिकार आने वाले आगे, बस ये अभी अधिकार समाप्त हो रहा है, एक गाथा और आएगी और ये गाथा आके फिर वो ट्रेन बदल जाएगी, तो उन्होंने पहले ही से ही पटरी बदलना चालू की, जैसे होता ना मैंने पहले से उन्होंने स्टीयरिंग जो है उधर घुमाना चालू किया, ये क्योंकि ज्ञान और सुख अधिकार ले जाना है, अब एक्चुअल में तो घाती कर्म के नाश होने से चार चतुष्टय प्रकट हुए, लेकिन वीर की कोई अधिकार नहीं है, और बस यह इतनी बात कर दी उन्होंने कि अनंत और उत्तम जिसका वीर है, और दर्शन में भी कोई सामान्य है दर्शन तो ऐसे भी अनंत दर्शन जिसका तेज है, इन दो के लिए अलग से अधिकार नहीं बनाए, लेकिन ज्ञान और सुख उनके लिए पूरे स्वतंत्र दो अधिकारों की रचना है, अब आगे वीर और उसकी तो कहीं बात ही नहीं आएगी, हो गई वो तो समझ कि कभी आ गई थी थोड़ी सी, बाकी जो पूरा दम है मतलब वो कायम है ज्ञान और सुख, पूरा अधिकार है दो के ऊपर अधिकार ही समर्पित है, चतुष्टय तो जबकि चार घाती कर्म का क्षय होने से उनको क्या प्रकट हुआ अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर सब, इन बात ही नहीं करते वो, किसकी बात करते उनको रस कायम है ज्ञान और सुख, उसका लक्षण बता के उसकी बात चालू करते हो कि उनके जो है वो इस निर्विकार शुद्ध आत्मा का अनुभव करता हुआ, निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ स्वयं ही स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और निराकुलता लक्षण सुख रूप होकर परिणमित होता है, वो स्वयं ही परिणमित होता है, कोई किसी अन्य के कारण नहीं होता है, स्वयं ही होता है क्योंकि शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है तो स्वयं ही इस रूप परिणमित होता है, क्योंकि इस मतलब वो स्वभाव का अनुभव करता हुआ ज्ञान और सुख रूप परिणमित होता है, इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और आनंद क्या हुआ स्वभाव ही ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जब वो स्वभाव का अनुभव किया तो ज्ञान और सुख रूप परिणमित हुआ, माने ज्ञान और सुख का अनुभव किया, तो इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञान और सुख ही है, इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और आनंद स्वभाव ही है, वो विभाव स्वभाव ही है, और स्वभाव तो पर से अनपेक्ष होता है, स्वभाव पर से अपेक्ष होता है या अनपेक्ष होता है, स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है, यदि स्वभाव को पर की अपेक्षा हो जाएगी तो स्वभाव नहीं कहलाएगा वो विभाव होएगा, क्या ज्ञान तो स्वयं ही स्वपर को जानता है, इंद्रियों के साथ जाने तो भी जानता है और इंद्रियों के बिना भी जानता है, ज्ञान का काम क्या है जानने का, सर स्वभाव इंद्रियों के की सहायता लेके जानता है तो वो पराधीन कहलाता है, और जब बिना अपने स्वयं स्वभाव से जानता है तो वो स्वाधीन होता है, तो स्वाधीन जानना उसका स्वभाव ही, क्यों क्योंकि उसका स्वभाव मतलब वो अपने आप से परिणमन करता है,
इसलिए वो इंद्रियों की क्या है, आधीन नहीं है, पर से अनपेक्ष है। स्वभाव जो होता है वो पर से अनपेक्ष ही होता है। अनपेक्ष माने पर की अपेक्षा नहीं रहता। जल को शीतल होने में किसकी अपेक्षा है, अग्नि को उष्ण होने में, नमक को खारा होने में, मिर्ची को तीखा होने में, किसी की अपेक्षा। इसे आत्मा का ज्ञान और स्वभाव, ज्ञान और आनंद जब स्वभाव ही है तो वो पर से क्या है, अनपेक्ष है। और स्वभाव पर से अनपेक्ष होने के कारण इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और आनंद आत्मा के होता है। ये सिद्ध करना था ना इनको, ये प्रश्न पूछा था ना कि सिद्ध भगवान मुक्त आत्माओं के, शुद्ध आत्मा के बिना इंद्रियों के ज्ञान और आनंद कैसे होता है। क्या प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? क्योंकि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही, और स्वभाव पर से अनपेक्ष होने के कारण इंद्रियों के बिना भी आत्मा के ज्ञान और आनंद होता है। ये तो अपन क्या परीक्षा नहीं लेते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाए इसके ऊपर के क्यों। और बराबर देखो, उन्होंने पूरी सिद्धि की, जहाँ से चालू किया, शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए आत्मा के ज्ञान और आनंद इंद्रियों के बिना भी कैसे होता है, प्रश्न था। तो आखिरी में सिद्ध किया ना, चूंकि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही है और स्वभाव पर से अनपेक्ष होता है, इसलिए स्वयंभू आत्मा के ज्ञान और आनंद इंद्रियों के बिना भी होता है। समझ में? स्वयंभू या कोई छोड़ दो, अपनी इतनी बात करो कि आत्मा के ज्ञान और आनंद, भगवान के ज्ञान और आनंद इंद्रियों के बिना कैसे होता है, एक शब्द में आंसर, क्योंकि ये उनका स्वभाव भावार्थ। आत्मा को ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने में इंद्रियादिक पर निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। उनको ज्ञान और सुखरूप परिणमित होने के लिए कोई पर द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है कि वो होएगा तो वो सुखरूप परिणमित होएगा, मैंने वो उसको किसी का इंतजार करने की और किसी के अधीनता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी का मुख झांकने की तरह आवश्यकता नहीं है कि ये होएगा अब तब सुख होएगा। क्या अपन ये समझते ना, अपने को ये चीज़ हो जाएगी अपन सुखी हो जाएंगे, अपना ये काम हो जाएगा अपन सुखी हो जाएंगे, कितनी सारी चीज़ें थे अपन ने अपना सुख सब कैसे मान रखा, पराधीन हो गए अपन व्यर्थ, जबकि वो कह रहे हैं कि तुम्हें कोई सुख और ज्ञान के लिए किसी पढ़ने में की आवश्यकता ही नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, अभी सुखी होना हो सकते हो। क्यों? क्योंकि स्वभाव है। आत्मा को सुखी होने के लिए इंद्रिय आदि निमित्तों की आवश्यकता नहीं, किसी इंद्रिय की, किसी विषय की, किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं, अभी इसी समय आत्मा ज्ञानी और सुखी हो सकता है। हो सकता है नहीं? हे ज्ञान और सुख रूप प्रणम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन बस ये है कि ये मोह के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा सुख काय में से आ रहा है, इंद्रियों से आ रहा है, आंख से इतना अच्छा दिख रहा है, मजा आ रहा है, कान से बढ़िया सुनाई दे, ये ज्ञान और सुख अपना है, इसमें किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, ये सब मानता नहीं ना। आत्मा को ज्ञान और सुख परिणमित होने में इंद्रियादिक परिणमित्तों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और उसके लिए बाधक है, साधक तो है ही नहीं और बाधक है, लंगड़ा बनाते हैं उसको, पराधीन बनाते हैं। मैंने जिसके पास में खुद के पास माल हो और वो नौकरी करने लग जाए तो कह रहे हैं कि ये नौकरी इसके कमाने में साधक नहीं है बल्कि और इसके गंवाने में साधक, ये अपना माल तो देख ही नहीं पर अपना तो लुटा लिया रोज। क्यों? इसके पिताजी खुद दुनिया भर के नौकर रखे और बच्चा जो है वह कहीं पूना बेंगलोर जाके नौकरी करे। पिताजी है, मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पिताजी कम से कम उनकी फैक्ट्री में 40-50 लोग, तो बच्चा कहाँ है, नौकरी कर लिया 8-10 घंटे हम माल जैसा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों है? पिताजी से बनती नहीं हूँ, कारण उनका सुनो, उसके कारण सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल संसार है, तो नाना तरह के जीव सब तरह के परिणति। तो अब जो चीज भाई तेरा ये नौकरी करना कोई कमाई का कारण तो ही नहीं, कमाई हो रही है वहां तो हमारी था क्या, क्योंकि हम इधर 13,000 रुपए को यहाँ किसी और को दे रहे
और वो काम भी नहीं कर रहा बल्कि लुटा रहा। तो ऐसे हम इंद्रियों के ऊपर अधीन हो रहे हैं क्या? हम ये सोच रहे हैं कि हम इंद्रियों से अपना काम ले रहे हैं, काम नहीं ले रहे हैं बल्कि हम उसके गुलाम बन रहे हैं व्यर्थ में जबरदस्ती, क्योंकि हम उससे काम लेते लेते हमको ये मान्यता हो रही है कि यही हमको ज्ञान और सुख दे रहे हैं। अपन सोचते हैं इनकी मदद लेने में क्या है, क्यों इसकी मदद लेने में क्या है? इसकी मदद लेने में ये है कि वो तुमको तुम्हारे पराधीन बना देगा, तुम्हारा फिर उसके बिना काम नहीं चलेगा। कई चीजें ऐसी होती है फ्री में, फ्री में, फ्री में तो उपयोग करो, फिर देखो अधीन हो जाओगे उसके। जैसे ज्ञान और इंद्रिया, इसको क्या लगता है इंद्रिया मिली अपने क्या जा रहा है? अपन तो खूब इंद्रियों की मदद लो, इंद्रियों की मदद लेते लेते ये जो ज्ञान है ये पूरा ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई मेरा ज्ञान कैसे आ रहा है, इंद्रियों से आ रहा है। ये स्थिति मान्यता हो गई कि नहीं हो, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसे ही मानता है कि मानता है? ज्ञान और सुख कैसे आता है? इंद्रियों से, इसलिए उसके बिना एक मिनट भी चेन का पड़ती है। पांचों इंद्रियों के व्यापार निरंतर चला करते हैं, क्षण भर आदमी को बिठा दो 10 मिनट के लिए शांति से बैठने को तैयार, कुछ दिखाओ कुछ करो, आज के आदमी को 5 मिनट शांति से नहीं बिठा सकते आप। क्या इसके जिसके पास मन नहीं है उसकी अपेक्षा से तो मन जिसके पास है वो साधक बाधक नहीं हो, मन का उपयोग काय में कर रहा है उसके ऊपर है, मन का उपयोग काय में कर रहा है विषयों में, मन का उपयोग ये इस साल तो अपन वहां घूमने गए थे नेक्स्ट ईयर का जाना। मन तो काय में भी भर सकता है, मन कोई जरूरी थी नहीं धर्म की चीजों पर विचार कर, क्यों धर्म का विचार करता है क्या मन दिन भर? मन तो विषयों का ही विचार करता है, जितना विषयों को मन भोगता है उतनी इंद्रियां भी नहीं भोगती है, आधे से ज्यादा तो मन भोगता है, मन की लड्डू चला करते हैं। हाँ ये करें क्या, क्यों अभी बैठे यहाँ है, और कई लोग कह रहे होंगे 5 मिनट और बचे उसके बाद आज तो घर पे ही काम है। मन का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उपयोग किस में लगाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे भी देखो यदि किसी की अवलंबन नहीं लेना पड़े तो ज्ञान का काम सहज है, सहज वो अपने जानने का काम कर ही करे, ज्ञान और सुख दोनों ही अपने सहज रूप से वर्णन करते हैं, इन्हें किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ये असली बात है। आत्मा को ज्ञान और सुख रूप परिणमित होने में इंद्रियाधिक परिणमितों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप सुपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख वो आत्मा का वो स्वभाव ही है, इसलिए उसको किसी परिणमितों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वभाव को किसी की जरूरत नहीं होती है। यदि स्वभाव को भी जरूरत पड़ जाए तो स्वभाव खिलाएगा क्या? यदि अग्नि को गर्म होने के लिए गैस की जरूरत पड़ जाए तो वो अग्नि का स्वभाव नहीं, वो अग्नि नहीं है। फिर पानी को ठंडा होने के लिए गैस की जरूरत पड़ जाए किसी दूसरी चीज की तो पानी का शीतलता स्वभाव है, स्वभाव वही होता है जिसको किसी परिणमित की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो ये आखिरी गाथा है, ये बस लास्ट लास्ट मतलब इस अधिकार की। अब अतीन्द्रियता के कारण ही शुद्ध आत्मा के शारीरिक सुख दुख नहीं, ये गाथा बहुत बढ़िया है। भगवान चूंकि अतीन्द्रिय हो गए इसलिए उनके शारीरिक सुख दुख नहीं है, वो कोई भी शरीर का मजा नहीं ले रहे हैं, वो न उनके शरीर संबंधी सुख है न शरीर संबंधी उनके दुख है, न उनको शरीर संबंधी क्षुधा है न उनको शरीर संबंधी आहार है, न शरीर संबंधी कोई रोग है न रोग का प्रतिकार है, न शरीर संबंधी कुछ भी नहीं है, मतलब शरीर संबंधी जो कुछ भी होती है सब उनकी कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे अतीन्द्रिय हो गए हैं, अब उनके इंद्रिय वाला काम नहीं रहा है, अब उनका ज्ञान क्या हो गया है? अतीन्द्रिय हो गया है। ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाने से इंद्रियों का सब व्यापार छूट गया है, और इंद्रियों के व्यापार छूट जाने से अब उनके शरीर संबंधी, क्योंकि इंद्रियों का समूह ही शरीर है तो अब उनको शरीर संबंधी कुछ भी चीजें नहीं है, शरीर संबंधी सुख दुख नहीं। अभी अपना ज्ञान और सुख क्या हो रहा है? इंद्रियों के निमित्त से प्रवर्तता है, तो इसलिए अपने को शारीरिक सुख और दुख होते हैं।
होते ही नहीं होते, आँख चली जाए तो कितना दुख होता है, अरे भैया क्या करो, कान से कम सुनने लग जाए पड़े पीड़ा होती है, खाने को कम मिले पीड़ा होती है, जीवन से ज्ञान नहीं हो रहा है, इंद्रियों के अधीन है तो सुख दुख ही होता है, लेकिन जब ज्ञान और सुख इंद्रियों के अधीन रही नहीं तो उन इंद्रियों का कुछ भी हो क्या फर्क पड़ना, यदि मैं आँख से देख ही नहीं रहा हूं तो फिर वो आँख फूट जाए कि नहीं फूटे, कि क्या हो कि क्या नहीं हो, जब उस आँख का ममत्व छूट गया, क्योंकि ममत्व किस बात का रहता था कि इसके द्वारा देखने को मिलता है, लेकिन जब देह का ममत्व छूट गया उससे अब देख ही नहीं रहे हैं, समझ में आया ना, आँख से जो काम होता था वो काम लेना हमने बंद कर दिया, तब आँख संबंधी कोई विकल्प नहीं है, है ना, नाक संबंधी कान संबंधी के विकल्प ही नहीं है भाई, इनका कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो बिल्कुल कैसी है, मुर्दा है, बस जड़ शरीर हो गया है, आंख का कोई व्यापार नहीं अतिंद्रिय भगवान के, आंख तो है लेकिन आंख से नहीं देखते, कान है लेकिन कान से नहीं सुनते, नाक है लेकिन नाक से नहीं सुनते, जीवन से चखते नहीं है क्योंकि उनका ज्ञान और सुख अतिंद्रिय है, यदि वो जीवन से चखे तो केवल ज्ञानी नहीं कहलाया, केवल ज्ञानी कहला सकते क्या, क्योंकि जीवन के चखने के पहले क्या मानोगे आप, केवल ज्ञानी, तो चख लिया पहले ही, चखने के बाद क्या नया ज्ञान आएगा, और जीवन से चख रहे हैं कि वो अतिंद्रिय ज्ञान से चख रहे क्या, सब चीजें मतलब आप पूरा सोचो तो आपको लगेगा कि भगवान क्या, मतलब अपने आदमी बना दिया उनको, आदमी जैसे अपन जैसे वो, फिर उनके ज्ञान में क्या विशेषता रही, यदि उनका ज्ञान भी इंद्रिय है तो फिर वो अति, फिर वो सर्वज्ञ कैसे सिद्ध होंगे, सर्वज्ञ होने के लिए ज्ञान को अतिंद्रिय होना जरूरी है, बिना अतिंद्रिय हुए कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, क्योंकि इंद्रियों से सर्वज्ञता नहीं आती, इंद्रिय ज्ञान वाला सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, इंद्रिय ज्ञान वाला तीन काल तीन लोक को नहीं जान सकता, इसलिए अब उनके जब इंद्रियों का काम, इंद्रियों से काम लेना बंद हो गया, इंद्रियों की कोई जरूरत ही नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं, और देह से ममत्व मिट गया, तो फिर शरीर संबंधी जो कुछ भी सुख दुख है वो उनके नहीं है, उन्हें अतिंद्रिय भगवान के शारीरिक सुख दुख नहीं, ये बात बताएंगे इसका था। अब अतिंद्रियता के कारण ही शुद्ध आत्मा के माने केवली भगवान के शारीरिक सुख दुख नहीं है यह व्यक्त करते हैं, पढ़ लेना था, सोखम वापुण दुखम केवल सड़ति देह गतम जम्मादिन्द्रियतम जादम तम मातुतम नेयम। अरे कहाँ है ये, बोलो भाई, एक मिनट मेरे पास, अतीन्द्रिय हो गए हैं जिन स्वयं भूपस, इसलिए केवली के देहगत सुख दुख नहीं परमार्थ से, अतीन्द्रिय हो गए जिन स्वयं भूपस, इसलिए केवली के देहगत सुख दुख नहीं परमार्थ से, केवली के देहगत सुख दुख नहीं है वास्तव में, वास्तव परमार्थ माने असली बात मत विचार करो, तो केवली के देह संबंधी सुख दुख नहीं है, वो देह से अत्य परे हो गए, देहातीत हो गए हैं, देह तो है, केवली भगवान के देह है, देह होने पर भी देह से परे हो गए, देह तो इंद्रिया भी है उनके, जड़ इंद्रिया भाव इंद्रिया, देखो सोखम सुख वा माने अथवा पूर्ण माने पुनः, सुख अथवा पुनः दुख, सुख अथवा दुख केवल नानिस केवल ज्ञानी के नथी न अथि, न अथी माने अथी माने है और न माने नहीं, केवल ज्ञानी के देह कदम, देह कदम एक शब्द, देह कदम माने देह कदम माने देह को गया हुआ, माने देहगत माने देहगत माने देह को जो गया है, माने देह गया माने देह संबंधी शरीर संबंधी, शरीर संबंधी अब पूरा शब्द बनाएंगे तुमने से, केवल नानिस देह कदम
सोखम वा उन दुखम नथी। क्या होगा? केवल नानिस देह कदम सोखम वा उन दुखम नथी। केवल ज्ञानी के देहगत सुख अथवा दुख नहीं है। यही तो बात बताई थी, उत्थानी का ही बात की थी ना। केवल ज्ञानी के देहगत सुख अथवा दुख नहीं। क्यों नहीं है? जम्मा अधिंद्रियतम, जम्मा माने चूकी अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हो गए। चूकी वो क्या हो गए? अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हो गए। जादम माने उत्पन्न, जाग माने जाग, चाद जान माने उत्पन्न होना, जाति उत्पन्न होना ना। चूंकि अतीन्द्रियता पने को उत्पन्न हुए, पने वो अतीन्द्रिय रूप से उत्पन्न हुए, चूंकि उनकी अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई है, अतीन्द्रियता हो गई ना उनके उत्पन्न, चूंकि उनकी अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई है, तमहा, तमहा माने इसलिए, तम माने ऐसा, नियम माना जानना चाहिए, इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिए। ऐसा क्यों है? चूंकि उनके अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई है इसलिए ऐसा जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? कि उनके देहगत सुख और दुख नहीं है। समझ आ गया ना? तो एक चूंकि केवली भगवान की अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है इसलिए उनके देहगत सुख अथवा दुख नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है ना? वापिस से पढ़ लेता हूं मैं इसमें। केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी सुख या दुख नहीं है क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। बाकी कल करेंगे।